नमस्कार, सुजाता की रसोई से में आप सबका स्वागत है। आज हम दो तरह के जूस बनाएंगे, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी। पहले हम संतरे का बनाएंगे, हम इसे न्यूट्रीब्लेंड में बनाएंगे। फ्रेंड्स, आप इसे मिक्सी में भी बना सकते हैं। और हम दूसरा जूस बनाएंगे गाजर और चुकंदर का, ये भी बहुत ही हेल्दी होता है। गाजर और चुकंदर के बारे में तो फ्रेंड्स आप सबको पता ही है कि इसमें कितना हीमोग्लोबिन बढ़ाने की अपार क्षमता होती है। और गाजर और चुकंदर का जूस को एक महीने तक लगातार पीने से फ्रेंड्स चेहरा एकदम सुंदर बनता है और गोरा भी होता है और चेहरा पिंक भी हो जाता है और थकावट बिल्कुल दूर हो जाती है। तो चलिए हम इसको देखते हैं किस तरह से बनाएंगे। पहले हम संतरे का बनाएंगे। ये मैंने 3 संतरे लिए हैं, इनको अच्छे से छील लिया है और इनके बीज निकाल दिए हैं सारे। इसे हम न्यूट्रीब्लेंड में बनाएंगे क्योंकि इसमें बिल्कुल भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें तो खुद ही रस होता है। ये आधा आधा पीस लेंगे दो बार में। ये हमने सब पीस लिया है और एक छन्नी लगा करके इसको अच्छे से छान लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, ये बहुत ही आसानी से बन जाता है, ये एकदम फ्रेश है। इस तरह से छान लेंगे, इसका पल्प ऊपर रह जाएगा और जूस इसका सारा नीचे आ गया है, ये देख सकते हैं आप। अब इस ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। इसमें हम 1/4 चम्मच नमक डालेंगे, सिर्फ नमक डालेंगे और कोई मसाला नहीं डालेंगे, इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ध्यान रहे इसके बीज सारे निकाल लीजिएगा। ये देखिए मैंने इसको सर्व कर लिया है, ये बहुत ही बढ़िया बना है, ये आपको एकदम रिफ्रेश कर देगा। अब हम गाजर का बनाएंगे। ये हमने 7 गाजर ले ली है, इसको अच्छे से छील करके धो लिया है। एक अदरक का टुकड़ा लिया है, 2 आंवले को भी धो लिया है। ये मैंने पुदीना लिया है, फ्रेश पुदीना है, इसको भी धो लिया है। 1 चुकंदर ली है, 2 टमाटर लिए हैं, इनको भी अच्छे से धो लिया है। और ये काला नमक लिया है। सबसे पहले हम गाजर को इस तरह से पीस में काट लेंगे, बहुत छोटे पीस नहीं करने हैं क्योंकि हम इसे जूसर में बनाएंगे, इसे हम न्यूट्रीब्लेंड में नहीं बनाएंगे। फ्रेंड्स, न्यूट्रीब्लेंड में बनाने से क्या होता है फ्रेंड्स, हमें इसमें पानी बहुत डालना पड़ता है जिससे हमारा जूस पतला हो जाता है और पीने में भी टेस्ट नहीं आता, इसलिए मैं इसे जूसर में बना रही हूँ। उसमें एक बूंद भी पानी नहीं डालना होता हमें, एकदम बहुत ही गाढ़ा जूस निकलता है, बट बढ़िया। इस तरह से मैं इसके भी पीस कर लूँगी, चुकंदर के भी छोटे छोटे पीस कर लूँगी। देखिए कितनी जूसी है, ये बहुत ही बढ़िया है चुकंदर। इस तरह से इसके पीस कर लेंगे ताकि आसानी से जूस निकल सके। और ये आंवले को भी हम इसी तरह से काट लेंगे। ये देखिए मैंने सबका काट लिया है, इसको भी काट लिया है मैंने। और ये पुदीना है, इसके भी पीस कर लिए हैं, टमाटर के भी पीस कर लिए हैं। अब हम जूस निकालना शुरू करते हैं, ये जूसर में डालेंगे एक एक पीस करके। ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, सारा जूस इसमें निकल रहा है, एक पॉट रखा है हमने नीचे। इसी तरह से टमाटर, चुकंदर सब चीज़ डाल देंगे हम एक एक करके। ये देखिए कितना बढ़िया निकल रहा है एकदम। इसी तरह मैं बाकी सारा निकालूंगी, अदरक भी डाल देंगे और आंवले के पीस और पुदीने के पत्ते भी इसी तरह से डाल देंगे हम। इसे निकालने में कोई परेशानी नहीं होती है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सारा निकाल लिया है और इसको मैंने सर्व कर लिया है और काला नमक भी मिला दिया है मैंने इसमें थोड़ा सा। अब मैं इसको सर्व कर ले रही हूँ गिलास में। ये बहुत ही बढ़िया बना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सर्व कर लिया है, दोनों जूस बन करके रेडी हैं। ये आपको एकदम रिफ्रेश कर देगा, आप इसे किसी भी समय बना करके पी सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इसमें जूसर में निकाला है इसको मैंने, इसमें ये फ़ायदा होता है कि इसमें हमें एक बूंद भी पानी नहीं डालने की ज़रूरत नहीं होती है और पूरे मिनरल्स और पूरे विटामिन्स मिलते हैं हमें इसमें। मिक्सी में तो फ्रेंड्स, मिक्सी और न्यूट्रीब्लेंड में तो क्या होता है कि उसमें हमें पानी डालना पड़ता है, फिर उससे क्या होता है कि जूस पतला भी हो जाता है और इतना टेस्टी भी नहीं लगता है, इसलिए मैंने इसको जूसर में निकाला है, आप उसमें भी पीस सकते हैं। अगर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी है, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।